गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? होप यू आर फिट एंड फाइन। वेलकम टू जीके क्लास बच्चे। सो लेट अस स्टार्ट विद आर यूनिट 1 एंड फर्स्ट टॉपिक इज फील एट होम विद होमोग्राफ्स। यू मस्ट नो अबाउट होमोग्राफ्स। व्हाट आर होमोग्राफ्स? दीज आर वर्ड्स विच आर फ्लेक्सिबल इनफ टू बी यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज। इट मीन्स दैट कि सिंगल एक वर्ड होता है बच्चे, लेकिन उसके डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। दीज आर नोन एज होमोग्राफ्स। सो फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू एंड अगले आपको खुद करने हैं, बट आई हैव रिटन द आंसर्स। तो पहले आप इन्हें अंडरस्टैंड कीजिए, आफ्टर दैट अपने बुक में इन्हें कंप्लीट कर लीजिए। गॉट इट? सो फर्स्ट वन इज़ वेरी अनकाइंड एंड एवरेज। आपने मैथ्स में बेटे मीन वर्ड पढ़ा होगा, तो उस मीन का मतलब एवरेज निकालते हैं ना, तो इसी मीन का मीनिंग एवरेज भी है एंड वेरी अनकाइंड, मतलब ही इंसान को भी हम क्या कहते हैं, मीन। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि देर इज़ ओनली वन सिंगल वर्ड बट हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स। ओके, देन देयर कम्स सेकेंड वन, दैट इज़ द एंड पॉइंट। द एंड पॉइंट ऑफ पेंसिल, तो पेंसिल के एंड पॉइंट को क्या कहते हैं हम, टिप। किसी के भी एंड पॉइंट को क्या कहते हैं, टिप। और सेकेंड मीनिंग क्या होता है बच्चे टिप का, स्मॉल सम ऑफ मनी गिवन टू वेटर। वेटर को हम कुछ देते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज टिप। गॉट इट? देन कम टू नेक्स्ट, अ कार्ड गेम। कार्ड गेम होती है, उसका नाम होता है ब्रिज। ओके, एंड सेकेंड मीनिंग ऑफ ब्रिज इज़ रोड ओवर अ रिवर। रिवर के ऊपर जो पुल रहता है, दैट इज़ नोन एज ब्रिज। ओके, दीज आर टू डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ वर्ड ब्रिज। देन देयर कम्स नेक्स्ट, अ फॉल्स स्टेटमेंट। झूठी बात को क्या कहते हैं, झूठ बोलने को लाए। वन मीनिंग ऑफ ला इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। एंड सेकेंड वन इज टू प्लेस वंस बॉडी इन फ्लैट पोजिशन। जब कोई सो के ऐसे बेड पे पड़ा होता है, तो उसको भी लाइंग कहते हैं ना, कि लाए किया हुआ है इसने, लेटने के लिए आराम करने के लिए ये वर्ड यूज़ होता है, फ्लैट पोजिशन में लाए। दीज आर द टू डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ वर्ड लाए। देन नेक्स्ट वन इज पोल, अ लॉन्ग पीस ऑफ वुड। इट मीन्स कि एक लंबा सा पोल है, वुड का भी हो सकता है वो, वैसे पोल का मीनिंग ज़रूरी नहीं कि वुड में ही हो, वो स्टील का भी हो सकता है, आयरन का भी हो सकता है। तो पोल एक लंबा सा, एक लंबी सी लकड़ी का या किसी भी चीज़ का पीस हो सकता है इस तरह से, ऐसे। गॉट इट? लॉन्ग पीस ऑफ वुड। एंड सेकेंड मीनिंग इज़ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। वो आपने सुने ही है सोशल स्टडीज़ में, नॉर्थ एंड साउथ एंड्स ऑफ द अर्थ एक्सिस, अर्थ के जो दो किनारे हैं, एंड पॉइंट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल। देन नेक्स्ट वन इज हाइट, टू कीप आउट ऑफ साइट। छुप जाना, हाइड एंड सीक खेलते हैं बच्चे, तो फर्स्ट मीनिंग हाइट का छुप जाना होता है। देन सेकेंड वन इज एनिमल स्किन, एनिमल की स्किन को भी क्या कहा जाता है, हाइट। गॉट इट? सो इट्स वेरी नॉलेजेबल बच्चे, आप इन्हें याद रखेंगे। देन देयर कम्स नेक्स्ट, बर्ड्स बीक। बीक होती है पक्षियों की जो चोंच होती है, दैट इज़ नोन एज बिल, BILL। एंड नेक्स्ट मीनिंग ऑफ बिल इज़ टू बी पेड इन होटल। होटल में आप क्या करते हैं, बिल पे करते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो द मीनिंग ऑफ बिल। देन देयर कम्स नेक्स्ट, नेक्स्ट बट लास्ट, दैट इज़ अ मेल डियर। मेल डियर, जो आपका मेल हिरन होता है उसे क्या कहते हैं, बक। और जो डॉलर है उसे भी सेकंड नेम क्या होता है, डॉलर का भी, बक। ओके, सो ये छुप जा रहा है बच्चे आपके एरोस से, सो आप इसे लास्ट वन को समझ लीजिए ऐसे ही। तो बक के टू मीनिंग्स होते हैं, अ मेल डियर एंड डॉलर। गॉट इट? सो फर्स्ट पेज तो आपने इस तरह से कंप्लीट करना है। देन कम टू सेकंड पेज। सो बच्चे सेकंड पेज इज टुवर्ड्स कलरफुल लैंग्वेज। इट मींस कि कुछ कलर्स हमें कुछ डिनोट करते हैं स्पेसिफिकली, तो क्या डिनोट करते हैं वो आपने हिंट से पहचानना है। जैसे कलर्स जो हैं वो हमारे एक्सप्रेशंस को भी डेप्थ देते हैं, सो ये अंडरस्टैंड करते हैं
क्या मतलब होता है इन कलरफुल एक्सप्रेशंस का। तो हेल्प बॉक्स में वैसे मैंने ये सारा लिख दिया है आंसर्स, बट इनको समझेंगे आप पहले अच्छी तरह से, तो यहाँ पे आप इसका मीनिंग बुक में कंप्लीट करके लिख सकते हैं हेल्प बॉक्स से, जहाँ मैंने आंसर्स लिख दिए हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ टू सी रेड। रेड देखने पर क्या होता है एकदम, तो रेड को हम डेंजर मानते हैं, तो फर्स्ट वन इज़ बेटे जहाँ मैंने वन लिखा है टू सेंस डेंजर अहेड। अगर आपको बताया जा रहा हो कि आगे खतरा है तो एक रेड मार्क लगा रहता है वहाँ पर। देन सेकेंड वन इज़ इन अ फिट ऑफ ब्लू, यानी कि इन अ फिट ऑफ ब्लू, इसका क्या मीनिंग है, डिप्रेस्ड और सॉरोफुल। आई हैव रिटन ओवर हियर नंबर टू, जो वहाँ जहाँ मैं नंबर टू लिखा है वहाँ पे आपने यहाँ पे मीनिंग लिख लेना है, डिप्रेस्ड और सॉरोफुल। गॉट इट। देन थर्ड वन इज़ वाइट फेस्ड, कि एकदम एक तरह से मुहावरे भी होते हैं idioms, उनसे भी लिए गई हैं ये चीज़ें। सो सफ़ेद हो जाना, मुँह सफ़ेद हो जाना, हिंदी में एक मुहावरा भी रहता है कि पेल हो जाना। गॉट इट। तो थर्ड वन इसका आंसर क्या है, पेल एंड नर्वस, ये आप यहाँ थर्ड वन से देख सकते हैं। देन फोर्थ वन इज़ टू फील ग्रीन, यानी कि ग्रीन फील करना, तो क्या मतलब हुआ इसका, जेलस एंड एनवियस, यहाँ मैंने फोर्थ वन लिखा है, दैट इज़ द आंसर। जेलस एंड एनवियस होने के लिए क्या यूज़ होता है, ग्रीन वर्ड, टू फील ग्रीन। देन नंबर फाइव, अ ग्रे डे, ग्रे डे मीन्स क्लाउडी और ह्यूमिड डे, यू कैन राइट ओवर हेयर नंबर फाइव। देन सिक्स वन इज़ इन द पिंक ऑफ हेल्थ, फिट एंड फाइन होने के लिए हम पिंक ऑफ हेल्थ कहते हैं। गॉट इट। राइट ओवर हेयर द आंसर। देन सेवन्थ वन इज़ इन ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट क्या किसे कहते हैं, इन प्रिंट और रिटन डाउन। ब्लैक एंड वाइट फॉर्म मीन्स जैसे पेज पे लिखते हैं वो वाइट कलर का होता है, ब्लैक इंक होती है, तो इसे क्या कहते हैं, इन प्रिंट और रिटन फॉर्म। एंड लास्ट वन इज़ ब्राउंड ऑफ, ब्राउंड ऑफ मीन्स डिसकॉन्टेंटेड, ब्राउन कलर से ब्राउंड ऑफ, कि कोई अगर असंतुष्ट है, मतलब उसे सेटिस्फेक्शन नहीं है, ठीक है, अपने काम से, ठीक है, या उसे और मनी कमानी है अपने, और भी किसी चीज़ से अगर वो डिसकॉन्टेंटेड है, इट मीन्स आप उसे ब्राउन वर्ड से समझा सकते हैं, ब्राउन ऑफ। गॉट इट। सो दिस इज़ द नंबर एट आंसर। सो कंप्लीट बोथ द पेजेस एंड अंडरस्टैंड थॉरली, सो रिवाइज योर क्लास वर्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।